एक्स्ट्रा टाइम। सिराज, ये आपका दूसरा ही टेस्ट मैच है, लेकिन आप मिड ऑफ पे खड़े थे, आप सैनिक से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपने ऑलरेडी काफी टेस्ट मैच खेल लिया, तो ये कितना अलग एक्सपीरियंस था? और जस्ट जैसे मैंने बोला, आप सैनी से बात कर रहे थे, आप लिटरली लीडरशिप कर रहे थे उनके साथ, तो कैसा लगा वो? हाँ, पहले तो मैं और सैनी इंडिया में बहुत ही मैचेस खेले हम लोग, तो हम दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। तो मैं उसी को यही बोल रहा था कि जैसा अपन इंडिया में करते हैं, जैसा डोमेस्टिक में करते हैं, बस वही फोकस कर, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक जगह एम करते रहे और ज़्यादा डॉट बॉल डालने को देखे और प्रेशर बिल्ड करते रहे। हाय हाय सिराज, विल पवास्की को कंकशन की दिक्कत बहुत रही है, तो क्या आपका प्लान था कि उन पे शॉर्ट बॉल्स ज्यादा यूज करी जाए? हाँ, क्योंकि वो लास्ट जैसे इंडिया में भी लास्ट मैच खेले थे, इंडिया का प्रैक्टिस मैच था, जो उसमें भी हम लोग शॉर्ट बॉल डाल रहे थे, वो कंकशन हुआ उनको, और अभी भी देख रहे थे कि वो शॉर्ट बॉल के खेल रहे थे, वो लीव नहीं कर रहे, तो हम लोगों का प्लान था कि एक आध बीच में डालते रहे, ज़्यादा तो फोकस हम लोग का लाइन और लेंथ पे रहेगा। सिराज, आज ऋषभ ने दो चांसेस छोड़े थे, तो एज अ बॉलर क्या वो कभी कभार फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है जब चांसेस मिस होते हैं, स्पेशली ऐसे फ्लैट विकेट पे? हाँ, ये तो एक क्रिकेट पार्ट ऑफ द गेम है, क्रिकेट में कैचेस छूटते रहते हैं, बट बॉलर को थोड़ा बहुत होता है, फिर उसके बाद वो जैसा हो गया, होने वाले कोई रोक नहीं सकता, तो वो भूल के फिर अपना नेक्स्ट ओवर के ऊपर बॉल टू बॉल फोकस कर। सूरज भाई, वो नेशनल एंथम वाले इमोशंस के बारे में थोड़ा बताओगे? थोड़ा नेशनल एंथम के टाइम पे बस डैड की याद आ गई थी, तो इसीलिए बहुत ही इमोशनल, जैसे डैड देखना चाहते थे कि वो टेस्ट क्रिकेट खेला मेरा बेटा, तो बस आज वो रहते तो काश देख पाते थे। हाय सिराज, अमिताभ फ्रॉम क्रिक व्यू। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज जो जैसे विकेट था, उसमें आप लोगों को क्या कुछ प्लान था कि शॉर्ट और करने का, क्योंकि शॉर्ट पिच बॉलिंग इस विकेट पर पता नहीं कैसे होता? नहीं, ये तो विकेट बहुत ही फ्लैट विकेट है, इजी बैटिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, बैट पे आ रहा है बॉल, तो ऐसा नहीं कि कुछ प्लान, हम लोगों का यही प्लान था कि बस प्रेशर बिल्ड करते जाए, एक एरियाज पे हिट करते जाए, कि ज़्यादा ट्राई ना करे तो बेटर रहेगा, क्योंकि बैट्समैन के लिए बहुत इजी है ये विकेट पे। जो बाउंसर हम लोग डाल रहे थे, वो बाउंसर भी ज़्यादा, जैसा लास्ट मैच मेलबर्न में खेले थे वैसा बाउंसर जाता था, बट यहाँ पर वैसा बाउंसर जा रहा भी नहीं है। हाँ सिराज, आज हमने देखा कि ये स्टीव स्मिथ और लबुशाइन दोनों आगे बढ़ बढ़ के खेल रहे थे स्पिनर्स को, खासतौर से अश्विन को, तो क्या ये मतलब विकेट की वजह से खेल रहे थे या मे बी थोड़ी बॉलिंग हमारी थोड़ी कम रही? थोड़ी नहीं, ये विकेट तो बहुत ही इजी है बैटिंग के लिए, इसीलिए वो खेल रहे थे। अगर लास्ट में भी देखे आप, एक आध बॉल टर्न हो रहा था, तो जैसे जड्डो भाई ने भी लास्ट में दो ओवर जो डाला उसमें भी टर्न हुआ, फिर आयुष भाई ने फिर लास्ट ओवर में थोड़ा बहुत टर्न हुआ, तो फिर उसके बाद उन लोग पीछे आ गए, तो ये लास्ट में फिकल देखते हैं क्या होता है। सर जी, एक इंटरव्यू में आप बात कर रहे थे कि वो अपना जो इन स्विंगर है वो नेचुरल था, और आउट स्विंगर में काफी आपने डेवलप किया है, मेहनत किया है, तो वो थे ना, कभी डेवलप किया, वो कैसे किसी ने आपको हेल्प किया जो बताइए ना। वैसे तो मैं पहले इन स्विंग था, फिर मेरा लॉकडाउन में जैसा मैं ट्राई करते रहे आउट स्विंग के लिए, मैं फिर इंडिया में भी बहुत ट्राई करता था आउट स्विंग के लिए, जब आता नहीं था फिर लॉकडाउन में, फिर उसके बाद मैं मेहनत किया, फिर उसके बाद डेस्टिन से भी बात किया मैं अभी आईपीएल में, उसमें उन्होंने भी मुझे हेल्प किया, मुझे फिर करते करते एकदम फिर आउट स्विंग आने लगा। सिराज, कल के बारे में कुछ क्या प्लानिंग होगी, कल फर्स्ट सेशन में क्या करने की आप ट्राई करेंगे? बस यही है कि हम लोग ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करें, बस एक ही जगह पे हिट करते रहे तो बैट्समैन के लिए प्रेशर रहेगा, हम लोग का तो एक ही प्लान है कि बस एक जगह डालते रहे डॉट बॉल, उना ही कुछ करेंगे बैट्समैन। सिराज, विकेट को देखते हुए पेशेंस रखना कितना जरूरी होगा, क्योंकि पहले दो टेस्ट मैच में विकेट बिल्कुल अलग थी, फास्ट बॉलर के लिए मजा आ रहा था, ये विकेट पे बॉल जैसे आपने बोला कि पहुंच कैरी नहीं हो रही है, तो कितना संयम रखना पड़ेगा अपने को? टेस्ट क्रिकेट एज ए पेशेंस है, जैसे टेस्ट क्रिकेट की जो वैल्यू है कि अपन एक जगह, टेस्ट क्रिकेट में यही दिखा जाता है कि बॉलर्स के पास कितना पेशेंस है, आप एक जगह कितना डाल सकते हैं,
तो यही है टेस्ट का, टेस्ट मैच का मतलब कि बस पेशेंस रखते जाइए, विकेट ये बदल गए है तो हमारा प्लान जैसा बॉलर जल्द से जल्द अडॉप्ट करना चाहिए विकेट को, तो हमारा भी यही काम है कि जल्द से जल्द अडॉप्ट करे और वही चीज पेशेंस की जगह एक जगह डालते रहे तो अच्छा लगता बॉलर। कितने टोटल तक इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया को फर्स्ट इनिंग में रिस्ट्रिक्ट करने को देखेगी? हमारा ये एक ही प्लान है कि बस जितना हो सके एक एरियस पे हिट करे, प्रेशर बिल्ड करते गए, वही बैट्समैन कल आज जैसे लास्ट में भी बॉल टर्न हो रहा था तो कल देखते हैं क्या होगा, और हमारा ये एक ही प्लान है कि बस कम से कम में पैक करे। सैनी का ये पहला मैच है और आपका दूसरा था ये मैच, तो इंडिया का डोमेस्टिक कल्चर आपको कितना हेल्प कर रहा है यहाँ पे जब आप इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हो? जैसा इंटरनेशनल और रणजी ट्रॉफी और इंडिया के मैचेस में जो मैं करते आया, बस मैं ज़्यादा सोचने लगा तो फिर मेरी बॉलिंग पे इफेक्ट होगा, तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं बस एक जगह मेरा जो मैं अपने आप को बैक करता हूँ, और इंडिया में भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैं 8 विकेट भी लिया था तो बैट्समैन भी सेम ही थे, तो मेरा यही कि प्लान था कि मैं इन लोगों के साथ ही 8 विकेट लिया था, बस मैं यही करूँगा, कुछ चेंज नहीं करे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए भी और टीम के लिए भी। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.